कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भारत चीन बॉर्डर पर बढ़ रहे तनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहीदों की शहादत को सलाम किया और कहा कि चीनी सेना द्वारा किए गए हमले से देश में भारी रोष है, वहीं पूरे देश को हमारे वीर सपूतों के शौर्य पर गर्व है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को उम्मीद नहीं थी कि 40 दिनों की सरकारी छुट्टी का परिणाम इतना हृदय विदारक होगा। वहीं इस दौरान पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा। चीनी सेना द्वारा हमले में देश के उच्च सैन्य अधिकारी सहित 20 जवानों की शहादत से पूरे देश में भारी रोष भी है, गंभीर चिंता और व्यग्रता भी। पूरे देश को हमारे वीर सपूतों के शौर्य पर गर्व है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे भारत मां की अस्मिता की रक्षा की है। भारत के साहसी सैनिकों पर हमें नाज है, जो आज भी सीना ताने दुश्मन के सामने खड़े हैं। चीनी सेना के इस दुस्साहस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मोदी सरकार ने मौन साध लिया है। देश को उम्मीद नहीं थी कि 40 दिनों की दिल्ली के हुक्मरानों की सरकारी चुप्पी का परिणाम इतना हृदय विदारक होगा। केंद्रीय भाजपा सरकार की खामियों और नाकामियों की वजह से हमारे सैनिकों की शहादत का यह दुखद दिन और वेदना भरा दिन देश को देखना पड़ा। श्री राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी व पूरा प्रतिपक्ष बार बार केंद्र सरकार से गुहार लगाते रहे, आगाह करते रहे कि कुछ बताइए कि आखिर सीमा पर परिस्थितियां क्या हैं, चीन की सेना ने हमारी सरहदों में कहां तक कब्जा कर लिया है और हमारी कितनी जमीन हड़प ली है। सेना के पूर्व अधिकारी भी मोदी सरकार को लगातार आगाह कर रहे थे कि स्थिति गंभीर है, वह सरकार को सावधान हो, कार्यवाही की आवश्यकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम फिर दोहराते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा व देश की भूभागीय अखंडता के हर मुद्दे पर देश के 130 करोड़ नागरिक सरकार के साथ हैं और खड़े हैं, पर मोदी सरकार को देश को विश्वास में लेना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो बात बात पर ट्वीट करते हैं, आज देश के सामने आकर मोदी जी को सच्चाई बतानी होगी कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया, हमारे 20 सैनिकों की शहादत कैसे हुई, मौके पर आज की स्थिति मोदी जी क्या है, क्या हमारे सैन्य अधिकारी और सैनिक आज भी लापता हैं, हमारे कितने सैन्य अधिकारी व सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं और जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, चीन ने हमारे कितने हिस्से पर और कहां कहां कब्जा किया है। इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए मोदी सरकार की नीति और रास्ता क्या है, आगे बढ़कर इन सवालों का जवाब मोदी जी को देना होगा। कल भी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कहा था और कल 9 दिन लगातार हो गए थे लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हुए। अब लगभग 3 लाख करोड़ रुपया पिछले 3 महीने में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर मोदी सरकार ने अतिरिक्त जनता की जेब से वसूली की है। ये समय वसूली का नहीं, एक तरफ कोरोना महामारी की जंग और दूसरी तरफ हमारी सीमा पर पैदा हुई विकट स्थिति, ऐसे में जनता पर बोझ डालना क्या उचित है? ऐसे में किसान जब इस समय अपनी बिजाई के मौसम पर लगा है, बिजाई में लगा है अगली फसल की, आज जब छोटा छोटा उद्योग और धंधा शुरू हो रहा है, आज जब मध्यम वर्गीय लोग अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि पूर्णतया नाजायज है, असंवेदनशील है और जन विरोधी है।